रखें तो ये कितनी तकलीफ दे हालात है। अगर किसी के घर में कोई गुट खराब हो जाए हमारी जान निकलती है, और यहाँ पर तो पूरा यहाँ पर तो पूरी बस्ती ही उजड़ चुकी है, और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे बात है, बहुत ज़्यादा। ये मुरादर जो हम देख रहे हैं, ये दिल इंसान का दिल खून का असर होता है कि जिस तरह घरों कच्चे पक्के मकान मुख्तलिफ जमातों की, वो लोग बड़े खुश हो रहे थे कि मुख्तलिफ जमातों के लोग आके सपोर्ट कर रहे हैं उनको, मगर ये बस भी जमातों पर बहुत ज़्यादा आवाम मुतमिन कर रही थी कि उन्होंने बहुत हेल्प किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। अभी तक पानी खड़ा है जहाँ पर आपका और ये दूर तक जहाँ तक देखेंगे आप पूरी बस्ती जो है ना वो उस वक्त ये बस्ती जो है ना इस वक्त मुकम्मल सफाती से मिट चुकी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ थे। भाई बता रहे थे कि 7,000 आबादी है यहाँ पर, और आबादी भी पढ़ी लिखी है यहाँ पर माशाल्लाह सारी। ये मदानी बस्ती है सारी, और देख लें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे मंजर, ये मंजर अब देखें ना, ये मंजर बहुत तकलीफ दे मंजर देखें। लेकिन इन लोगों का आपको मुश्किल हल करना पड़ेगा, ये हल नहीं है इन लोगों का। घर तो सारी उम्र हम गरीब लोग घर ही बनाते हैं सारी उम्र, और वो बनता भी नहीं है हमारा घर, और ये जिनका घर इसका उजड़ गया होंगे जिनके घरों में इस तरह पानी का रास्ता भी वहाँ से है, मगर पानी बहुत ज़्यादा था वहाँ क्रॉस नहीं कर सका। सामने रास्ते हैं पानी के, मगर वहाँ पानी गुजरा नहीं वहाँ से, रोड टूट के मुकम्मल यहाँ से पानी कैसे गुजरा, यहाँ से उस पुल से भी ऊपर पानी गुजरा था पानी, बस्ती पूरी बस्ती जो है ना यहाँ पर फुल डूबने चुकी थी। ये डीजी खान का इलाका है और सील डीजी खान है, ये लीफ कंपनी का होगा, बस्ती अमदानी के अंदर 200 के साथ 200 करीब है इनके। सारी और रिलीफ कैंप की बस्ती थी यहाँ पर, बयामर हमारे साथ थे, और ये ऐसा देखने का खौफनाक मनाजिर है कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह के लिए छुटकारा पड़ पड़ेगा। देखिए कैसे लोग घर बुले हैं, सोच है।